आम आदमी पार्टी के सीनियर आगू हरपाल चीमा ने पंजाब सरकार से निशाना साध्या। उन्होंने कहा कि कैप्टन सरकार घोटालिया की सरकार है जिसने पंजाब के लोगों नाल धोखा किया है। लोग बेसब्री नाल आम आदमी पार्टी की सरकार का इंतजार कर रहे हैं। श्रोमणी अकाली दल, भाजपा ते बहुजन समाज पार्टी सारिया राजनीतिक पार्टियां ने पंजाब के लोगों नाल धोखा किया है। देखो अज पंजाब सब तो वड्डी नफरत वाली जिहड़ी पार्टी है जिहनूं नफरत लोक करदे ने पंजाब विचों श्रोमणी अकाली दल ते बीजेपी आ कांग्रेस पार्टी आ तिन्हां पार्टियां रल के पंजाब दे विच तिन्न काले कानून लैके आंदे। अज अकाली दल अपनी जिहड़ी अपने सिधांत ने उह छड्ड चुके आ और दूजे पासे बीएसपी आ बीएसपी दी सुप्रीमो मायावती अपने सिधांत छड्ड चुकी आ। इह कल्ले कल्ले नूं पता गा, पंजाब दे बच्चे बच्चे नूं पता गा कि बीएसपी जिहड़ा हैगा उह बाबा साहिब भीम राव अंबेडकर दा सिधांत छड्डता, बाऊ कांशी राम जी के सिद्धांत छड़ते, अज वह भी उस तरह की पार्टी बन चुकी है जिस तरह की जी श्रोमणी अकाली दल है। जिस तरह श्रोमणी अकाली दल पंजाब लुटता हुंदा सीगा, बीएसपी जी यूपी लोगों लुटती हुंदी सी, तां ही जिहड़ा उत्थे बीएसपी खत्म हो चुकी है और पंजाब विच अकाली दल खत्म हो चुकिया। सो मैं समझदा 0+0=0। सो इन्हां दा रिजल्ट कुछ नहीं आना। पंजाब के बच्चे बच्चे नूं पता गा कि पंजाब विच जिहड़ी आ किसान के खिलाफ, पंजाब विच जिहड़ा हैगा खेत मजदूर के खिलाफ अकाली दल ने तीन काले कानून ते दस्तखत किए ने, और बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल चुप रही है, साइलेंट रही है। इस गल करके इन्हां दा पंजाब विच कोई वजूद नहीं है। अकाली जो बीजेपी नाल गठजोड़ तोड़िया सी तां उदों कहा सी कि अकेले चोण लड़ांगे, फिर हुण की नौबत आ गई जिहड़ी गठजोड़ करना पैगा। देखो अकाली दल जिहड़ा हैगा इस समय पंजाब विचों सियासी तौर ते खत्म हो चुकी पार्टी आ। पंजाब दे सियासी सीन दे उत्ते अकाली दल दा कोई वजूद नहीं हैगा। सो अपने आप दा सियासी जिहड़ी खोई हुई जमीन आ उन्हों बरकरार रखने के लिए वो तलाश रहे हैं कि वो जमीन तलाशन के लिए आज जो इस तरह के मैं समझना गैर संविधानक जोड़े है।